Onlar bana bu kadar! Onlar bana bu kadar! जाना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि मांगे पूरी की जाएंगी? सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त चाहे आम टाइप मुलाजम है परमानेंट मुलाजम है उनकी आवाज को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो होमगार्ड जो कर्मचारी जो पिछले 20 और 25 साल से काम कर रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, जितनी सरकारें आई उन्होंने अनदेखी की और आज भी इनका ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक जू और तू के मसले पड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ एक परमानेंट कॉन्स्टेबल जो है जिसको 70 से 80 हज़ार रुपया सैलरी दी जाती है, होमगार्ड में कर्मचारी जो है सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारें थी भी उनने भी अनदेखी की, आज देख लीजिए उनकी हालत क्या हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार इस इशू को रिजॉल्व करे। अगर सरकार इस इशू, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो डेली वेजर है, रिजर्व कैटेगरी में है, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं जो है हर जगह आपको मिलेंगे हड़ताल करते हुए। यहाँ नाम याद कमेटियाँ बनाई जाती हैं जो सिर्फ नाम की कमेटियाँ होती हैं, कोई आउटपुट नहीं निकलती इनकी। अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी हुई है, अभी तक 5-6 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर नहीं कर सकते। यहाँ MLA और मंत्री जो हैं 2-2.5 लाख रुपये सैलरी लेते हैं। तो आइंद मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर नहीं करते तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं एक शेर इस सरकार पर कहना चाहता हूँ, कहते हैं गले में हाथ डाला था गला अपना सजाने को, वो जालम ना जीवन बैठा गला ही काट खाने को जी। तो मैं ये कहता हूँ सरकार को इस इशू को रिजॉल्व करे। इनका जो है महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, तो और वहीं पर जिस तरीके से आप सबका ये कहना है कि 2700 से कैसे गुजारा होता है, तो क्या जम्मू कश्मीर एक स्टेट था उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया? हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो यूटी है चाहे स्टेट है, जहाँ 40,000 और 50,000 रुपया उनको सैलरी दी जाती है, जम्मू कश्मीर का जो होमगार्ड है उसको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है। एक मजाक किया जा रहा है इनके साथ। अगर आप एक कॉन्स्टेबल 60 से 70 हज़ार रुपया सैलरी लेता है तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जिन सरकारों ने किया आप देख लीजिए उनकी हालत क्या है। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ की यूटी की सरकार, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार नहीं करती, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस इशू को नाम या जो कमेटियां बनाते हैं इनकी ऐसी कमेटियां मत करो, इस इशू को रिजॉल्व करो। अगर नहीं करती आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की है, ना के मुलाजिम। हम लोग जो है आज प्रोसेस्ट नहीं है, हम लोग अपना बात को जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोदी के समक्ष में ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि मोदी हमारे लिए जो हमारे ऊपर रूल एक्ट लागू किए गए हैं, जो बड़ा होमगार्ड एक्ट 1947 हमारे ऊपर लागू किए गए हैं, उसमें संशोधन करके पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को 365 दिन का रोजगार जो है उपलब्ध कराने की कृपा करें और इस एक्ट में संशोधन करके पूरे भारतवर्ष के जवानों को न्याय दिलाने की कृपा करें। हमारी सिर्फ इतनी सी माननीय राजभवन की तरफ आप जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मांगे पूरी की जाएंगी? क्या अलजी मनोज सिन्हा आपसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि हमारे 4 लोग जा रहे हैं, हमारे अधिकारी रोक रहे हैं, हमारे 4 ही लोग जो है आगे जाएंगे और हमारी जो भी मांग है ये हमारे अधिकारी और हमारी जनप्रतिनिधि जो है ये नहीं सुनेंगे तो फिर हमारी कौन सुनेगा? हमारे लिए तो यही भगवान का एक स्वरूप है और हमारी आवाज़ यही सुनेंगे और यही हमारे हित के लिए जो है न्याय भी जरूर दिलाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी 26 जनवरी 2023 को इससे पहले अगर हमारे लिए इस एक्ट में संशोधन करके पूरे भारतवर्ष के जवानों को 365 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद जो है उस तरह कदम जो है पूरे देश भर का होमगार्ड जवान जो है वो दिल्ली में उठाएगा जी।
ये हमारी एक उनके लिए एक अपील भी है और उनसे एक निवेदन भी है कि हमारा जो है जल्द से जल्द ये जो हमारा रूल एक्ट है उसमें संशोधन करने की कृपा करें, क्योंकि आप जिस दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर में सभा को संबोधित करते हुए होमगार्ड के सुख चैन की बात की थी, उससे पूरे देश भर का होमगार्ड जवान जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ा था, और आज पूरे भारतवर्ष का होमगार्ड जवान 8 वर्ष बीत चुके लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की होमगार्ड के हित के बारे में, तो पूरे देश का होमगार्ड जवान हताश हो चुका है। हमारी यही निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कि महोदया आप एक बार फिर लास्ट में हमारी यही निवेदन है आपसे कि 26 जनवरी से पहले पहले हमारे लिए जो है पूरे भारतवर्ष के ये एक्ट जो है उसमें संशोधन करें और पूरे भारतवर्ष के जवानों को न्याय दिलाने की कृपा करें और 365 दिन रोजगार जो है नियमित रोजगार पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध कराने की कृपा करें, ये हमारा उनसे निवेदन है। इसलिए हम जानना चाहेंगे क्या लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा तक आपकी आवाज़ जो है क्या वो पहुँच पाएगी? बिल्कुल, हम उसके लिए आज सभी साथी डेलीगेशन के रूप में यहाँ से जा रहे हैं और हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए आज हम सड़कों पर हैं। सरकार को जो 75 साल पुराने जो काले कानून हैं, जैसे कि मोदी जी ने जो मुहिम चला रखी है कि काले कानून या पुराने कानूनों को बदला जाएगा, हमारी सबसे बड़ी मांग है इस होमगार्ड के काले कानून को बदला जाए और होमगार्ड जवानों के साथ जो भेदभाव पूरे देश में किया जा रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में 2700 रुपये में इनके पेट भरने का भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ना इनका मानदेय इतना दे पा रहे हैं, तो होमगार्ड जवानों को अन्य राज्यों की भांति रेगुलर ड्यूटी 365 दिन रोजगार और इनको पूरा मानदेय वेतन दिया जाना चाहिए, जो पुलिस के मूल वेतन के समान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए, अन्यथा हम अब पूरे देश के होमगार्ड जवान इकट्ठे होकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं वर्दी में भी यूनिफॉर्म में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और वहीं पर जिस तरीके से महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, और वहीं पर राजभवन की तरफ इनके बढ़ते हुए कदम, यानी कि अब उम्मीद की बात करें एलजी मनोज सिन्हा से उम्मीद लगाइए, इससे पहले की बात करें तो काफी समय हो चुका है इन्हें मांग करते हुए, लेकिन अभी तक मांगे इनकी पूरी नहीं की गई है, और वहीं पर अब राजभवन की तरफ कदम जो है वो बढ़ रहे हैं, या सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मांगे जो है वो पूरी की जाएंगी या नहीं की जाएगी, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा से उम्मीदें जो है वो काफी लगाई है और कई सालों से ये उम्मीदें जो है लगाई, और कई सालों की बात करें तो पानी जो है वो फिरता हुआ नजर आ रहा है, तो अब सवाल ये खड़ा होता है जिस तरीके से कदम जो है इनके बढ़ रहे हैं राजभवन की तरफ, क्या वहां पर जाकर मांगे जो है क्या पूरी की जाएंगी, क्या एलजी मनोज सिन्हा बात करेंगे या नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।